Allahu Allahu सुल्तान आलमगीर सब कह दो रहमतुल्ला अलैह, बादशाह वक्त है, हुक्मरान है दिल्ली का, दर्रे खैबर से लेकर चाटागांव की पहाड़ियों तक सुल्तान आलमगीर की बादशाहत है। मगर दीनदार इतना है, तवज्जो करना, बादशाह आलमगीर को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। बादशाह को 5000 हदीस शरीफ जुबानी याद थी। और आजकल की हाई तालीम के बारे में तुम्हें बताऊं, कई कितने सालों की बात है, आम खास बाग में जलसा मुल्तान में एक वजीर आया, तकरीर करने से पहले कहने लगा पढ़ो दुरूद शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तालीम बहुत हो गई है। आलमगीर बादशाह ने 40 उलामा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे, रात को फतवे सुना करता था और इश्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्ला अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया, मैंने और आपने भी मर जाना है। फौत होने से पहले वसीयतनामा लिख दिया, फरमाते हैं मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में जब से होशो हवा संभाला है उसकी एक दिन भी सफर में हदर में दुख में दर्द में बीमारी में कभी भी किसी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कजा न हुई हो। दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने जनाजा रखा है, सारा दिन बीत गया, उलामा मौजूद है, मुहद्दिसीन मौजूद है, मुफ्ती मौजूद थे, कारी मौजूद थे, काजी मौजूद थे, मगर कोई जनाजा पढ़ाने की जुरत नहीं करता। कभी ना कभी दुख में दर्द में शादी में गमी में ताज्जुद की नमाज चली जाती है, कोई जुरत नहीं करता। असर का वक्त हुआ, बादशाह आलमगीर उस्ताद मोहतरम के जनाजे के करीब पहुंचा और मुंह से कपड़ा उठा के कहने लगा ओ अल्लाह वाले तुझे क्या मिला, दुनिया से जाते जाते मेरा राग खोल गए। मैं समझता हूँ जानता हूँ किसके बारे में लिख के गए हो, किसे हुक्म दे के गए हो, मगर अल्लाह वाले ये तो बता, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी कि तेरे सिवा मेरे रब के सिवा कोई ना जाने मैं कैसा हूँ। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما। वो लोग कितने कामयाब है जिनकी रातें सजदे और क़याम में बीत जाती है। अमन हुआ क़ानितुन आना अल्लैल। आलमगीर बादशाह खड़ा होके रो रहा है और कहने लगा अल्लाह वाले तुझे क्या मिला, दुनिया में मेरा राज खोल दिया, अब मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, अगर मैं अपना राज बचाता हूँ तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, तेरा जनाजा पढ़ाता हूँ तो मेरा राज नहीं बचता, अल्लाह वाले मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मेरी तो बड़ी तमन्ना थी मेरे रब के सिवा कोई ना जानता मैं कैसा हूँ। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरा अल्लाह मालिक है, खड़े होकर के फरमाने लगे ओ लोगों सफे दुरुस्त करो, मैं फकीर जनाजा पढ़ाऊंगा। कभी बादशाह ऐसे हुआ करते थे,
आज लोगों चौधरियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, आरतियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, शेखों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, मलकों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, खानों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, थानेदार की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, एसी की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, तहसीलदार की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। इसलिए कि इसको कोई मुकद्दस किताब नहीं मानता। सारी उम्र में चौधरी ने कभी बंगले में, कोठी में, मकान में, दुकान में कुरान को दाखिल नहीं होने दिया। हर चीज मकान में आएगी, दुनियादार आएंगे, छोटे बड़े अमीरों गरीब बंगले में डेरे में आएंगे जाएंगे, मगर अल्लाह के कुरान के लिए दाखिला बंद है। जब तक चौधरी मरेगा नहीं कुरान का दाखिला बंद, जब तक शेख मरेगा नहीं कुरान करीम का दाखिला बंद, जब तक मलक और खान मरेगा नहीं उस वक्त तक कुरान करीम का दाखिला बंद, जब मर जाए फौरन दाखिला खुलता है। उस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इधर के तालिबे इल्म भी बुलाओ, उधर के तालिबे इल्म भी बुलाओ, चारों तरफ बैठे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, मरने वाले का बेटा बीच में खड़ा होता है और कहता है मौलाना ओ कारी साहब आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिष्ट में ठोक के जाना। दाखला को मिलना नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। आज कुरान याद आया, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह कुरान मुर्दों के लिए उतरा है। मोटर कार जिंदों के लिए, हवाई जहाज जिंदों के लिए, रेलगाड़ी हवाई तमाम सवारियां तमाम, सब्जी तरकारी फल फ्रूट, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए, जिंदा चाहिए। और लोगों इंसाफ करो, हर चीज जिंदों के लिए, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। पढ़ना चाहिए जी, बड़ा सवाब है जी, बड़ा सवाब है जी, जितना कुरान पढ़े सो कबर कर। अकल नहीं रहती आदमी में बात करने। अभी